देखिए ये गोष्ठी जो प्रबुद्ध समाज की है, ब्राह्मण समाज भी प्रबुद्ध समाज का एक अंग है। प्रबुद्ध समाज की जो गोष्ठी हम लोग कर रहे हैं, इसका समय इसका उद्देश्य यही है कि जो प्रबुद्ध समाज में वो जिस तरह से इस सरकार में दबाया जा रहा है, उसमें भी खास तौर से जैसे दलितों के साथ में अत्याचार हो रहे हैं और ब्राह्मण समाज के साथ में हो रहा है, तो इसके लिए ब्राह्मण समाज और प्रबुद्ध समाज के अन्य समाज के लोगों बीच में हम लोग जाकर के उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं और उनसे इस बात का अनुरोध भी कर रहे हैं कि अब आप इकट्ठा हो जाइए और ऐसा शासन, ऐसा प्रशासन जिस सरकार चला रही है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अब आप जहां पर कि कुठाराघात खाली इन समाज के लोगों के में ही नहीं हो रहा, समाज को ही तोड़ने का काम नहीं हो, जहां पर कि अब मीडिया के ऊपर भी हमला हो रहा है, जो चौथा स्तंभ है इस देश का और जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इस देश की, उस डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए मीडिया पे प्रहार को, अगर मीडिया अगर सही बात दिखाने लगती है तो उसके ऊपर प्रहार करके, चाहे वो प्रेस अखबार की हो और चाहे वो चैनल में हो, जिस तरीके से अभी पिछले 2-3 दिन में देखा गया कि एक मीडिया चैनल जो कि प्रमुख चैनल था उत्तर प्रदेश का और जिसमें कि किस तरह जो चीज़ें दिखाने का काम कर रहे थे, तो सही चीज़ें सामने रखें तो उनके ऊपर हर तरह का एक हमला करते हुए और उनको परेशान करने के लिए अपने जो गलत शक्तियां हैं उसका इस्तेमाल करके उनको प्रताड़ित करने का, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे और उनका नुकसान होगा। उनको ये समझना चाहिए कि जितना ये इस तरह करेंगे, ये कांग्रेस ने जैसे इमरजेंसी लगाई थी, कांग्रेस ने घोषित इमरजेंसी लगाई थी, आज भारतीय जनता पार्टी ने अघोषित इमरजेंसी लगाई थी और किस तरीके से इमरजेंसी के बाद कांग्रेस को उखाड़ के यहाँ की जनता ने फेंक दिया था, ये सबके सामने है और इनका भी यही हश हो गया। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।